नवरात्रि में सातवें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभम करीबी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं। माँ काल का नाश करने वाली हैं, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। माँ कालरात्रि तीन नेत्रों वाली देवी है। कहा जाता है जो भी भक्त नवरात्रि के सातवें दिन विधि विधान से मैया कालरात्रि की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है, साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग, शोक आदि सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा को कालरात्रि का रूप शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज को मारने के लिए लेना पड़ा था। देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है, इनके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं, गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं। माँ के चार हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड़ग, दूसरे में लो अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। सप्तमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान करने के बाद पूजा आरम्भ करनी चाहिए। स्नान के बाद माता के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें। माँ कालरात्रि की पूजा में मिष्ठान, पंचमेवा, पांच प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि का अर्पण किया जाता है। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। माँ कालरात्रि को गुड़ या उससे बने पकवान का भोग लगाएं। मैया कालरात्रि को कई नामों से जाना जाता है। महायोगेश्वरी, महायोगिनी भी माँ के ही नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के प्रकोप और हाहाकार से माँ भयंकर रूप से क्रोधित हो गई थी, जिससे उनका रंग श्यामल हो गया। माँ कालरात्रि चार भुजाओं वाली हैं और भगवान शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माँ की आंखों से अग्नि की लपटें निकलती हैं। एक हाथ में माँ शत्रुओं की गर्दन और दूसरे में तलवार पकड़कर युद्ध स्थल पर निकलती हैं। माँ की सवारी गदा होता है। देवी कालरात्रि का स्वरूप बहुत विकराल है। इनके मस्तक पर शिव जी की तरह तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र हमारे अंतर मन का प्रतीक है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं, तो तीसरी आंख यानी कि अंतर मन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। जब किसी भक्त के साथ ऐसी स्थिति हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भक्ति के अंतिम पड़ाव की ओर है, जहाँ से उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बोलो कालरात्रि मैया की जय।